हेलो एवरीवन, मैं उपनेश चानो के सामने आप देख रहे हो मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXi वेरिएंट, जो कि रेड कलर है ना भाई, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है देखने में ही। अगर इसके रूफ और ब्लैक कर देते ना तो भी डॉल टोन में क्या जमती कर रही है, काफ़ी मस्कुलर लगती है। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इसमें एसेसरीज की, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि भाई एसेसरीज कंपनी से ही लगवाते हैं कि भाई मेरे को बाहर की पसंद नहीं है, मैं बाहर की नहीं लगवाऊंगा, मैं तो कंपनी से ही लगवाऊंगा। बहुत से लोग ये कि भाई मैं तो बाहर से लगवाऊंगा, कंपनी से महंगी देते हैं, तो भाई उनके लिए वीडियो नहीं है। जो लोग कंपनी के एसेसरीज पसंद करते हैं, वीडियो स्पेशल उनके लिए है, क्योंकि इसमें काफ़ी एसेसरीज ऐड है। मैं आपको एक बार ना एसेसरीज की लिस्ट दिखाता हूँ पूरी, यहाँ पे इसमें एसेसरीज की लिस्ट है पूरी यहाँ पे। इसका टोटल प्राइस एसेसरीज का वो इसका 32,750 रुपये। अगर आप इस गाड़ी को लेते हो तो आपको गाड़ी के वैल्यू से अलग आपको 32,750 रुपये अलग से पे करने पड़ेंगे एसेसरीज के। तो सबसे पहले इसमें सीट कवर 6,990 रुपये के, यहाँ पर जो इसमें सीट कवर चढ़े हुए यहाँ पे इसमें देख सकते हो, यहाँ से आप इसके 6,990 रुपये का कंपनी से लेते हो तो। उसके बाद इसमें फुल फ्लोर मैटिंग, जो इसमें मैटिंग हुई है मैं दिखाता हूँ आपको एक बार, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आप, मैं इसके ऊपर लाइट जला देता हूँ अपनी फ़ोन की, यहाँ से देखो ये यहाँ पे हो रही है इसमें, यहाँ पे नहीं। इसका प्राइस इसमें 3,800 रुपये फुल फ्लोर मैटिंग का। उसके बाद इसमें फॉग लैंप इसमें 3,490 रुपये के, जो भी इसमें इंस्टॉल नहीं है फॉग लैंप इसमें। उसके बाद इसमें फाइव डी मैट भी इसमें इंस्टॉल नहीं है, 5D मैट है इसमें 3,000 रुपये के। उसके बाद इसमें बॉडी साइड मोल्डिंग, यानी कि नीचे यहाँ पे ये इसमें लगी हुई ब्लैक कलर की पट्टी। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस इसमें 2,790 रुपये। उसके बाद इसमें फ्रंट ग्रिल क्रोम गार्निश, जो कि है यहाँ पे रही फ्रंट ग्रिल की जो क्रोम लगी हुई यहाँ पे, ये रही ये पड़ेगी आपको 1,990 रुपये की। उसके बाद इसमें विंडो फ्रेम किट ये वाली इसमें, यहाँ पे जो इसमें क्रोम की बेल्ट लगी हुई ना यहाँ पे रही यहाँ पे, ये इसमें 1,590 रुपये के। उसके बाद इसमें रेन वाइजर 1,350 रुपये के, वो भी इसमें इंस्टॉल नहीं, वो आपको यहाँ पे लगते हैं यहाँ पे अपना बारिश वगैरह में, आपको थोड़ी सी अगर 80 से डाउन करना है तो आपकी गाड़ी में अंदर बारिश नहीं आएगी, उसलिए होते हैं वो। अगर आप उनको कंपनी से लेते हो तो आपको पे करने पड़ेंगे 1,350 रुपये। उसके बाद बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर इस यहाँ पे लगते हैं वाले ब्लैक कलर के, यहाँ पे लगा हुआ इधर ये इसमें 1,150 रुपये के, पीछे भी लगे मिलेंगे आपको, मैं पीछे दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार इसमें, यहाँ पे ये रहे चार पीस होते हैं इसके, चारों कॉर्नर में लगते हैं, जो पड़ेंगे आपको 1,150 रुपये के। उसके बाद है इसमें टेल लैंप गार्निश, जो कि 1,150 रुपये की है यहाँ पे, ये वाली है जो यहाँ पे ब्लैक कलर की, ये वाली टेल लैंप गार्निश 1,150 रुपये की। उसके बाद इसमें फ्रंट बम्पर गार्निश ब्लैक कलर की, जो ये वाली यहाँ पे नीचे यहाँ पे ये रही जो नीचे लगी हुई, इसमें एसेसरीज पार्ट अलग से वाला, ये इसमें 1,000 रुपये की। उसके बाद इसमें डोर हैंडल क्रोम, जो आपको यहाँ पे ये दी है, ये इसमें 900 रुपये के। उसके बाद इसमें डिक्की क्रोम, यहाँ पे डिग्गी पे क्रोम लगा हुआ है यहाँ पे इसमें, यहाँ पे ये रहा, ये इसमें यहाँ पे डिग्गी क्रोम पीछे लगा हुआ है इसमें, इसका प्राइस इसमें 800 रुपये। उसके बाद इसमें सीपलर गार्निश, इसका प्राइस इसमें 800 रुपये यहाँ पे लगा हुआ है इसमें, यहाँ पे जो क्रोम लगा हुआ है इसका प्राइस इसमें 800 रुपये। उसके बाद इसमें फॉग लैंप गार्निश क्रोम 790 रुपये की, तो फॉग लैंप गार्निश क्रोम इसमें यहाँ पे अभी कोई लगी नहीं है। उसके बाद इसमें स्टेयरिंग कवर मैं दिखाता हूँ आपको, वो इसमें 510 रुपये का यहाँ पे चढ़ा हुआ है इसमें। जब आप कंपनी में आप स्टॉक कार लोगे तो आपको वो नहीं मिलेगा, इसमें एसोसिएट पार्ट अलग से है, आप कहीं से लोगे तो आपको इतने का पड़ेगा 510 रुपये का। उसके बाद इसमें मड फ्लैप, जो ये वाले यहाँ पे वाले लगे हुए चारों टायर के पास मिलेंगे आपको, ये इसमें 400 रुपये के सेम आप देख सकते हो यहाँ पे ये लगे हुए इसमें। उसके बाद इसमें डोरेज गार्ड 250 रुपये के यहाँ पे लगे हुए इसमें, यहाँ पे ये वाले चार डोर में मिलेंगे आपको, यानी कि जो ऑल ओवर है इसमें एसेसरीज वो इसमें 32,750 रुपये की इसमें ये एसेसरीज में लगी हुई है एड है इसमें, जो आपको इसमें कार के प्राइस से अलग पे करने पड़ेंगे 32,750 रुपये ऑन रोड प्राइस से अलग, जो कि मारुति सुजुकी की जेन्युइन एसेसरीज है। तो एक कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।